नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय दुलगाज। एक बार फिर से आप सभी का ग्लोबनेट एजुकेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने सीखा था नील रेटेड, एग्जेम्प्टेड परचेस और नॉन जीएसटी के बारे में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले मल्टी टैक्स रेट के बारे में। एक ही प्रोडक्ट के ऊपर अलग अलग तरह के टैक्स कैसे लगाते हैं, इस वीडियो में हम ये जानेंगे। मेरे साथ बने रहे और देखते रहे ग्लोबनेट एजुकेशन। दोस्तों, मल्टी टैक्स रेट करने के लिए आपको सबसे पहले एक आइटम क्रिएट करना होगा। आइटम क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पर सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली में क्रिएट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप एक आइटम को क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पर स्टॉक पे आ जाएंगे। स्टॉक आइटम पे क्लिक करने के बाद मान लीजिए हम यहाँ पर एक स्टॉक आइटम ले रहे हैं जिसका नाम है स्टॉक। आप यहाँ पर कोई भी आइटम का नाम लिख सकते हैं जिसके ऊपर आप अलग अलग तरह के रेट स्लैब लगाना चाहते हो। यहाँ पर हमने स्टॉक लिख लिया या स्टॉक 1, 2 जो भी आप लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। एंटर करेंगे। उसके बाद इसे हम रखेंगे अंडर प्राइमरी में, यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल, और यहाँ पर रखेंगे पीसीएस के अंदर। उसके बाद यहाँ पर आप एप्लीकेबल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जीएसटी के ऊपर यस करके एंटर करेंगे। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन पे आप लिख सकते हैं स्टॉक 1, एचएसएन कोड आप नंबर यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट डिटेल के अंदर अब तक हम जो कर रहे थे, हम यहाँ पर कर रहे थे ऑन वैल्यू। अब हम जो कर रहे हैं, यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे ऑन आइटम रेट। मतलब एक ही प्रोडक्ट के ऊपर आप अलग अलग तरह के स्लैब लगा सकते हैं, अलग अलग तरह की जीएसटी स्लैब लगा सकते हैं। जैसे 12%, 18%, 28%, इस तरह के आप स्लैब यहाँ पर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे ऑन आइटम रेट को, एंटर करेंगे। जैसे ही आप इसे सेलेक्ट करके एंटर करेंगे, यहां पर आपको पूछेगा कंसीडर एडिशनल एक्सपेंसेस इनकम फॉर स्लैब रेट कैलकुलेशन। तो इसे आप यहां से यस कर दीजिए। यस करने के बाद आप एंटर कीजिए। जैसे ही आप इसे एंटर करेंगे, यहां पर आपको पूछेगा ग्रेटर देन। मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं 0 से लेकर 200 क्वांटिटी के अंदर, मान लीजिए यहां पर 200 क्वांटिटी के अंदर अगर आप सेल कर रहे हैं, तो वो प्रोडक्ट के ऊपर अगर आप जीएसटी नहीं लगाना चाहते हैं तो यहां से नील रेटेड कर सकते हैं या एग्जेम्प्टेड कर सकते हैं। तो उस प्रोडक्ट के ऊपर किसी भी तरह की टैक्स नहीं लगेगी। दूसरा स्लैब अगर हम बना रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर कोई वही प्रोडक्ट को 200 के रेट से लेके 500 के रेट के बीच में ले रहा है कोई, तो इसे हम टैक्सेबल पे क्लिक करेंगे। यहाँ से टैक्सेबल सेलेक्ट करेंगे, 12% स्लैब दे देंगे। यहाँ पर आप देखेंगे 12% डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, 6% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा और 6% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर एंटर करेंगे, एक स्लैब और बना लेंगे। मान लीजिए वो 500 रेट के ऊपर कोई भी स्लैब के अंदर परचेस करता है, तो इसे भी हम टैक्सेबल पे रखेंगे और यहाँ पर 18% जीएसटी स्लैब डाल देंगे। और इसे भी आप जब 18% करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर 18% को भी डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। यहाँ पर 9% सेंट्रल और 9% स्टेट को चला जाएगा। इसे हम कंट्रोल ए करके बाहर यहाँ से आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ से हम दोबारा से वाउचर पे आएंगे। वाउचर पे क्लिक करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से शॉर्टकट है वी प्रेस कर दीजिए, या तो यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली में रहकर वाउचर को सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे आप वाउचर को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से आप परचेस के लिए F9 प्रेस कीजिए, या फिर राइट हैंड साइड में आप यहाँ पर क्लिक करके F9 को एक्टिव कर दीजिए। अब वो प्रोडक्ट आप जिस डेट पे परचेस कर रहे हैं वहाँ से वो डेट चेंज कर लीजिए। डेट चेंज करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से F2 प्रेस करना है। F2 प्रेस करने के बाद आप जो भी डेट लेना चाहते हैं वो डेट आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए मैं 2 मई को यहाँ से कुछ सामान परचेस कर रहा हूँ। यहाँ पर आप बिल नंबर लिखेंगे, एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर पार्टी का नाम लिखेंगे। पार्टी का नाम ऑलरेडी हमारे पास क्रिएटेड है। यहाँ पर हम आशा ट्रेडर को सिलेक्ट कर लेंगे, या अगर आप किसी और पार्टी को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो वो पार्टी को क्रिएट करके वहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप रिसिप्ट नंबर लिख सकते हैं। यहाँ पर रिसिप्ट नंबर मान लीजिए 002 है, एंटर करेंगे। उसके बाद वो डेट आ जाएगा। यहाँ पर रिसिप्ट डॉक्यूमेंट नंबर वापस से हम 002 लिख देंगे। किसके थ्रू डिस्पैच हो रहा है वो उसका नाम लिख देंगे। मान लीजिए यहाँ पर ट्रक के थ्रू डिस्पैच हो रहा है तो यहाँ पर ट्रक लिख देंगे। कहाँ पर डिस्पैच होएगा, यहाँ से हम लिख देंगे दादर, एंटर करेंगे। एजेंट का नाम लिख देंगे यहाँ पर, एंटर करेंगे। बिल नंबर होगा तो वो लिख देंगे यहाँ पर। उसके बाद गाड़ी का नंबर आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ट्रक का नंबर हम लिखेंगे H।
उसके बाद आप यहाँ से कंट्रोल ए करके यहाँ से बाहर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको परचेस के लिए आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे परचेस अकाउंट, यहाँ से आप परचेस अकाउंट को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे नेम ऑफ आइटम, अब जो आइटम आप परचेस करना चाहते हैं उसे आप सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से आप स्पेस बार दबाएंगे, जैसे आप स्पेस बार प्रेस करेंगे आपकी लिस्ट यहाँ पर दिख जाएगी जितने भी स्टॉक आपने क्रिएट की है। हमने यहाँ पर स्टॉक वन क्रिएट किया हुआ, यहाँ से स्टॉक वन को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे स्टॉक वन आ गया है। अगर हम यहाँ पर एक क्वांटिटी ले रहे हैं और उसका रेट जैसे मैंने आपको बताया था कि 0 से लेके 200 तक है तो उसके ऊपर 0% टैक्स लगेगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पर 150 लिख लेते हैं, कोई भी स्टॉक आइटम का रेट 150 है, तो यहाँ पर हम एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आप यहां पर देखेंगे मोर डिटेल, यहां पर उसका टैक्स एनालाइज अगर आपको देखना है तो यहां पर मोर डिटेल पे क्लिक करेंगे। यहां पर आप स्टॉक वन पे देखिए मोर डिटेल पे क्लिक कीजिए। यहां पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहां पर आपको जीएसटी टैक्स एनालाइज दिखाई देगा, यहां से इसे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे अब यहां पर देखेंगे आपने 150 का वो प्रोडक्ट खरीदा है जिसके ऊपर टैक्स कुछ भी नहीं लगा। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर कुछ भी आपको टैक्स कैलकुलेट नहीं हुआ है। इसे आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप अपने कीबोर्ड से ऑल्ट F1 प्रेस कर दीजिए तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर अभी तक आपने कोई भी टैक्स नहीं लगा है। उसके बाद आप यहाँ से एस्केप करेंगे। हम यहाँ से वापस से इसका रेट चेंज करेंगे। मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर रेट 200 करता हूँ तो टैक्स लगता है, देखते हैं। यहाँ पर वापस से क्लिक करेंगे यहाँ पर मोर डिटेल पर। मोर डिटेल पर क्लिक करने के बाद दोबारा से हम जाएंगे यहाँ पर जीएसटी टैक्स एनालाइज के ऊपर, यहाँ पर क्लिक करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर भी कोई भी टैक्स रेट नहीं लगा है। इसे आप ऑल्ट F1 प्रेस करके देखिए, यहाँ पर भी कोई टैक्स नहीं लगा है। अब मान लीजिए इसका थोड़ा सा हम प्राइस बढ़ा देते हैं, यहाँ से हम रख देते हैं 350। अब देखेंगे 350 करने के बाद क्या होगा। अब हमने यहाँ पर 350 लिखा है, 350 करने के बाद दोबारा हम मोर डिटेल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखेंगे आप टैक्स एनालाइज, यहाँ पर क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे टैक्स एनालाइज के ऊपर यहाँ से ऑल्ट F1 प्रेस कर लेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि जब हमने 200 के ऊपर वाला जो स्लैब सेलेक्ट किया था जिसके ऊपर हमने 12% रखा था, अब वहाँ पर वो कैलकुलेट हो गया है। अब यहाँ पर देखेंगे आप सेंट्रल 6% और स्टेट को 6%, यहाँ पर 21 रुपीज़ यहाँ पर कैलकुलेट हो रहा है। यहाँ पर हमारा टैक्स देखेंगे आप, यहाँ पर टोटल 42 रुपीज़ हो रहा है। अब यहाँ से हम बाहर आएंगे, यहाँ पर वापस से हम वैल्यू चेंज कर देंगे। तीसरा स्लैब हमने रखा था अगर 500 के ऊपर वैल्यू होगा तो 18% काउंट होगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं 750 अगर हम प्राइस लिख रखते हैं उस प्रोडक्ट का तो क्या होगा। यहाँ पर आप देखेंगे और मोर डिटेल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ से आप टैक्स एनालाइज पे क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पर देखेंगे वहाँ पर 18% कैलकुलेट हो गया। आप इसे ऑल्ट F1 प्रेस करके देखेंगे तो आप देखेंगे 18% यहाँ पर कैलकुलेट हो गया। तो इस तरह से हम अलग अलग तरह का स्लैब यहाँ पर रख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर एस्केप करके अगर हम जीएसटी कैलकुलेट कर रहे हैं तो देखते हैं क्या होता है। एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद यहाँ पर इनपुट सीजीएसटी 12% यहाँ पर आप देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए 6% कैलकुलेट नहीं हो रहा है क्योंकि उसका प्राइस जो है 500 के ऊपर है, 500 के ऊपर है इसके लिए यहाँ पर 18% कैलकुलेट होगा। तो इसको हम यहाँ पर चेंज कर लेते हैं, यहाँ से हम 18% कैलकुलेट सेलेक्ट करेंगे, सीजीएसटी 18%। यहाँ पर आप देखेंगे अब सीजीएसटी 18% हमने यहाँ पर एक इनपुट ऑलरेडी बनाया हुआ है, किस तरह से इनपुट बनाते हैं वो हमने आपको हमारी पहली वाली वीडियो में बताया है। अब यहाँ पर देखिए 9% कैलकुलेट हो गया। अगर यहाँ पर मैं प्राइस चेंज कर रहा हूँ ऊपर आके, यहाँ पर मान लीजिए मैं प्राइस 350 कर रहा हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर 9% कैलकुलेट नहीं होगा क्योंकि हमने वहाँ पर बताया था 200 से लेके 500 के बीच में अगर कोई प्राइस होगा तो उसका जो जीएसटी कैलकुलेट होगा वो 12% होगा। अब यहाँ पर 18% है, इसे हम थोड़ा चेंज करते हैं और देखते हैं कि 12% लेने के बाद इस पर कोई इफेक्ट होता है। तो देखिए यहाँ पर 12% ये कैलकुलेट हो गया है। ठीक उसी तरह से हम लोग यहाँ पर इनपुट एसजीएसटी भी ले लेंगे 12% और यहाँ पर 6% कैलकुलेट हो गया है। तो दोस्तों आपने देखा कि एक ही प्रोडक्ट के ऊपर किस तरह से अलग अलग स्लैब हम यहाँ पर लगा सकते हैं।
तो दोस्तों आपने यहाँ पर देखा कि किस तरह से हम एक ही प्रोडक्ट के ऊपर अलग अलग तरह के स्लैब रेट लगा सकते हैं, जिसे हम कहते हैं मल्टी टेक स्लैब। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये सेशन समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और साथ ही साथ हमें कमेंट करके ये भी बताइए कि आपको हमारा सेशन कैसा लगा। दोस्तों अगर आपके कुछ सवाल जवाब या कुछ सुझाव होंगे तो प्लीज़ उसे भी आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच कीप वॉचिंग ग्लोबनेट एजुकेशन।